हेलो गाइस, सभी का स्वागत है करंट अपडेट यूट्यूब चैनल में। तो वीकली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो जून का फर्स्ट वीक था उसमें के 30 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टम्स ऑफ एग्रेशन कब मनाया गया है? ठीक है, इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टम्स ऑफ एग्रेशन कब मनाया गया? हाल ही में 4 जून को इसको मनाया गया है। कब? 4 जून को। इसका आंसर क्या है? सी, 4 जून। अब इसे मनाता कौन है? इसे मनाता यूनाइटेड नेशंस। कौन? यूनाइटेड नेशन। तो इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2030 तक सभी घरों को नल कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा बनाई है? ठीक, योजना बनाई है। ठीक है, तो 2023 तक सभी घरों में नल कनेक्शन प्रदान करने की जो योजना बनाई है वो बनाई है अरुणाचल प्रदेश ने। इसका आंसर क्या है? सी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब ये जो नल कनेक्शन होंगे ये आएंगे जल जीवन मिशन के अंतर्गत। ठीक है, तो जल जीवन मिशन का टारगेट क्या है? 2024 तक सबके घर में नल कनेक्शन पहुंचाना। तो यह है कुछ रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग अरुणाचल प्रदेश। तो मी बड़ी ऐप एक कहाँ पर लॉन्च हुआ? अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च हुआ। उसके बाद में पक्के टाइगर रिजर्व पार्क और नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है। पक्के पागा हॉर्निबल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। और दापो रिजो ब्रिज जो है वो कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। तो इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सलून और ब्यूटी पार्लर में आधार कार्ड अनिवार्य किया है? ठीक है, तो हाल ही में तमिलनाडु ने सलून और ब्यूटी पार्लर में आधार कार्ड अनिवार्य किया है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, तमिलनाडु। ठीक है, अभी तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। और यहाँ के सीएम कौन है? ई के पल्लनास्वामी। ठीक है, और यहाँ के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। तो इनका भी नाम ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना का शुभारंभ किसने किया है? पीएम स्वनिधि योजना का शुभारंभ हाल ही में किया है हरदीप सिंह पुरी ने। ठीक है, इसका आंसर क्या है? सी, हरदीप सिंह पुरी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वासु चैटर्जी का निधन हुआ है, वह कौन थे? वह एक फिल्मकार थे। इसका आंसर क्या है? बी, फिल्मकार। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीआईआई के नए अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? ठीक है, हाल ही में उदय कोटक ने इसका पदभार संभाला है सीआईए के नए अध्यक्ष का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ए, उदय कोटक। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है करंट अफेयर पे डेली वाले वीडियो में, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। कब? 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। अब ये मनाते क्यों है? ये मनाते ताकि साइकिल का जो इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में उसको बताने के लिए विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसको 2018 में यूएन असेंबली में इसकी घोषणा हुई थी। ठीक है, तब से 3 जून को विश्व साइकिल दिवस यानी वर्ल्ड साइकिल दिवस मनाया जाता है। इसको इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान किया है? के फोन का ऐलान हाल ही में किसने किया है? हाल ही में जो केरल की सरकार है उन्होंने उनका जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है के फोन, इसको लॉन्च किया है। ठीक है, अभी इसमें क्या होगा कि इसमें गरीबों को इंटरनेट फ्री में दिया जाएगा। ठीक है, अभी केरल के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन थे? पेरियार वन्य जीव अभिराम अभयारण्य केरल में, तिरंगा पहल तहत रैपिड टेस्टिंग केरल में की गई, कोविड-19 के रोगियों के लिए सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट लॉन्च किया, ब्रेक द चेन द कार्टून ए बी अभियान किस में लॉन्च हुआ? केरल में। तो इसको भी ध्यान में रखना। जो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पताल में खाली पड़ी बेडों का पता लगाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में दिल्ली की सरकार ने अस्पताल में जो खाली बेड है उनको पता लगाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। दिल्ली ने ही 5G प्लान लॉन्च किया था। दिल्ली ने ही शील्ड का भी जो शील्ड योजना उसको भी लॉन्च किया था। तो इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? हाल ही में दीप्ति शर्मा को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसका आंसर क्या है? सी, दीप्ति शर्मा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन कहाँ पे लॉन्च हुआ है? ठीक है, मेरा वेतन लॉन्च हुआ है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, मेरा वतन ऐप। ठीक है, अभी जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, अभी जम्मू कश्मीर क्या है? यूनियन टेरिटरी। क्या है? यूनियन टेरिटरी। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या रहते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्या रहते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर, इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एशियाई रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज, कौन सी कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज से सम्मानित किया गया है? हाल ही में कृतिका पांडे को इससे सम्मानित किया गया है। किन्हें? कृतिका पांडे को। ठीक है, इनके जो हाल ही में इन्होंने शॉर्ट स्टोरी लिखी थी, उनका उसका नाम क्या था? द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक। द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक, इसको शॉर्ट स्टोरी प्राइज में अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले सभी नागरिक के कौशल्य मानचित्रण के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? ठीक है, अभी वंदे भारत मिशन के तक जितने भी जो नागरिक है, जो मजदूर है, उनको कौशल्य मानचित्र देने के लिए स्वदेश योजना शुरू की है। स्वदेश योजना, इसका आंसर क्या है? सी, स्वदेश। अभी ये जो वंदे भारत मिशन, इसको किसने लॉन्च किया था? इंडियन एयरफोर्स ने, और इंडियन नेवी ने कौन सा लॉन्च किया था? समुद्र सेतु। ये दोनों नाम आप अच्छे से ध्यान में रखना, क्योंकि आने वाली एग्जाम में 100% वंदे भारत मिशन और समुद्र सेतु, इन दोनों नाम के ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नामित किया है? ठीक है, हाल ही में नीरज चोपड़ा को। किन्हें? नीरज चोपड़ा को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है। ठीक है, अभी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किया है। अभी बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को भी नामांकित किया था, तो ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है, इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त इंटरनेट देने वाला पहला राज्य कौन बना है? मुफ्त इंटरनेट देने वाला राज्य बना है केरल। केरल की सरकार अभी जो गरीब लोग हैं उनको के फोन योजना के द्वारा, कौन सी योजना? के फोन योजना के द्वारा इसको मुफ्त इंटरनेट देगी। और केरल में भी पेरियार वन्य जीव अभयारण्य पार्क है, शांत घाटी भी केरल में आती है। उसके बाद में तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग भी केरल में की गई है। COVID-19 के लिए जो रोगी है उनकी सेवा के लिए कर्मी रोबोट भी इन्होंने लॉन्च किया है। उसके बाद में ब्रेक द चेन ऑफ कार्टून, ये भी अभियान केरल की सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक के ईडी मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नया मुख्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में राजीव टोपनो, राजीव टोपनो अभी ईडी के नए मुख्य सलाहकार बने हैं। ठीक है, ईडी मतलब जो वर्ल्ड बैंक की ईडी है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उनके मुख्य सलाहकार, इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये रहे आज के करंट अफेयर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।